आज हम बात करेंगे थीम कस्टमाइजेशन के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थीम कस्टमाइजेशन के अबाउट। जब भी कोई थीम आप इंस्टॉल करते हो तो उस थीम के नीचे ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ जाता है कस्टमाइजर या कस्टमाइज। तो उसका क्या ऑप्शन क्या होता है वो और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, चले चलते हैं इसको देखते हैं। इसके लिए मजीद इसको देखने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ गया है हमारे पास कस्टमाइज़ का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद तो ये मुझे ऑप्शंस पे ले आएगा उस थीम को कस्टमाइज़ करने पे। कस्टमाइज़ का मतलब है कि उस थीम के अंदर मुझे कोई डिज़ाइन के अंदर चेंजेस करनी है, ये जो कुछ भी करना है तो मैं वो कर सकूँ, राइट। अब ये जो ऑप्शंस हैं कस्टमाइज़, ये हर थीम के डिफरेंट होंगे। अगर आप कोई और थीम इंस्टॉल किया होगा तो ये वाले ऑप्शंस जो हैं उस थीम के मुताबिक ये ऑप्शंस आएंगे, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि फोलियो इंस्टॉल किया है, फोलियो के मुताबिक यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है हर चीज़ों के, मेन्यूज़ के। लेट्स सपोज मेन्यू लोकेशन है हमारे पास, तो प्राइमरी है मेन्यू वन, और यहाँ पे हम देखते हैं जनरल सेटिंग्स, डिसेबल गो टू टॉप बटन। अब यहाँ पे देखें मैं अगर इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन आ नहीं रहा। यहाँ पे आपको कभी कभी नज़र आता है यहाँ पे कि गो टू टॉप, सिंपल आप क्लिक करते हो तो टॉप पे चले जाते हो, तो वो है डिसेबल रिकमेंडेड नोटिस प्लगइन। इसको हम अभी रहने देते हैं। हेडर सेटिंग्स, लेट्स सपोज ये हेडर है हमारे पास, इसकी सेटिंग्स का ऑप्शन आता है हमारे पास ये हेडर। अब यहाँ पे देखें राइट मेन्यू, सेंटर मेन्यू, लेफ्ट मेन्यू, कि आप ये वाला जो मेन्यू इसको कहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। मैं इसको सेंटर में शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं सेंटर में क्लिक कर दूँगा तो ये मेन्यू सेंटर के अंदर शो हो जाएगा, लेकिन आई डोंट नो वाई ये क्यों नहीं शो हो रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें यहाँ से कुछ स्पेसेस छोटी हुई हैं और यहाँ से भी स्पेसेस छोटी हुई हैं, तो मैं इसको फुल विड्थ करूँगा तो यहाँ से ये जो स्पेसेस कम है ये ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे देखें स्पेसेस ख़त्म हो गई हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ इस नाम की जगह पे, तो मैं यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करूँगा और लोगो लगा दूँगा, ओके। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ब्लॉग पोस्ट की सेटिंग्स। लेट्स सपोज पोस्ट के अंदर आप देखें एक पोस्ट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे देखें ये पोस्ट के नीचे शेयर आइकन फेसबुक ट्विटर और पिंटरेस्ट मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ ईमेल, लिंक्डइन, रेडिट ये वाले ऑप्शंस भी मौजूद हों, तो यहाँ पे देखें ये वाले ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने थीम को डिफरेंट तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनके अंदर कोई चीज़ें ऐड या डिलीट कर सकते हैं उन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए। जस्ट उनको आपने देखना है और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको वहाँ से हाइड कर सकते हैं, उनको जो चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा हैं उनको वहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये एक बेसिक कस्टमाइजेशन होती है। आगे चल के हम बड़े डिटेल के अंदर एक डिटेल कस्टमाइजेशन करेंगे जो हम करेंगे उनके साथ, बिल्डर्स के साथ, पेज बिल्डर्स के साथ, जैसे डीबी हो गया, एलिमेंटर हो गया, तो उनको यूज़ करते हुए। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था, आपको समझ आ गई होगी कि इन कस्टमाइज वाले ऑप्शंस का क्या यूज़ है और आप उनको इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।